भारतीय संस्कृति की कल्पना त्योहार के बिना नहीं की जा सकती। यहाँ हर रोज एक त्योहार है। व्यक्ति भले ही किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, प्रतिदिन उसके लिए उमंग उत्साह और आनंद से भरा एक त्योहार होता है। इतना ही नहीं, हमारे लिए हर उम्र में त्योहार के साथ कुछ न कुछ सुनहरी यादें जरूर जुड़ी रहती हैं। वहीं गांव और शहरों में त्योहारों का मनाने का अपना ही तौर तरीका होता है। इसी तरह शिवरात्रि का त्योहार भी गांव और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग तरह से मनाया गया। जहां शिवरात्रि की प्रातः काल से ही शहरों के मंदिरों में शिवालयों में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगने लगी, तो वहीं गांव के शिवालयों में रामचरितमानस का पाठ किया गया। क्षेत्र बनखेड़ी के गांव बाचावानी में शिवरात्रि का त्योहार मनाने का अपना ही अंदाज है। यहां गांव के प्रत्येक मोहल्ले में एक न एक शिवालय जरूर है, जहां पर प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। परिवार के सभी लोग दिन में भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, तो गांव के लोग और रिश्तेदार 24 घंटे शिवालयों में आकर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इस वर्ष नगर बनखेड़ी में भी शिवरात्रि का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर के विभिन्न शिवालयों में लोग परिवार सहित भगवान शंकर के दर्शन करने प्रातः काल पहुंचे, तो वहीं सेवा भावी लोगों ने मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए फलाहार के रूप में फल एवं खीर और खिचड़ी वितरित की। वहीं शाम के समय पूरे उत्साह उमंग और आनंद से भरपूर नगर के युवा मित्र मंडल के तत्वाधान में विशाल भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई। बारात में नगर के बच्चों से लेकर युवा और वरिष्ठ जन भी शामिल हुए। सड़कों पर आतिशबाजियां की गई। गड़ों की वेशभूषा में बच्चे और युवा डीजे और नगाड़ों की धुन पर खूब झूमे। शिव बारात बनखेड़ी के स्टेशन रोड हनुमान मंदिर से लेकर मुख्य चौराहा से होते हुए पुराना बाजार स्थित कलकुई रोड शंकर चौराहा तक निकाली गई। शाम 7 बजे भगवान शंकर को रथ पर सवार किया गया, जिसके बाद ढोल नंगाड़ा आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनियों के बीच नगर के मुख्य चौराहा से लेकर कलकुई रोड शंकर मंदिर चौराहा तक इस बारात का आयोजन किया गया, जहां पर पूरे उत्साह उमंग और उल्लास के साथ भगवान भोलेनाथ की महाआरती की गई। वहीं हर हर महादेव उत्सव समिति के तत्वाधान में शंकर चौराहा पर सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए विशाल महाप्रसादी का आयोजन किया गया। Thank you.